नमस्कार, आप देख रहे हैं अंदेशक न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अंदेशक न्यूज़ में। साथियों, यहां पर ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है अंदेशकों से संबंधित अगली तारीख का समाचार। ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है, शुरू करते हैं आज की पूरी श्रृंखला। अंदेशक रखें भरोसा, जल्द मिलेगा न्याय। अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह। अंदेशकों को मिल रही लगातार तारीख पर तारीख। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह साहब ने अंदेशकों से अपील की। उन्होंने कहा कि जैसे इतने सालों से अंदेशक धैर्य रखे हुए हैं, वैसे बस कुछ दिन और धैर्य रख लें। जल्द ही हाई कोर्ट से उनको बहुत जल्द ही खुशखबरी मिलने वाली है। डॉक्टर ए पी सिंह साहब ने कहा कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत जितना पैसा राज्य सरकार ने केंद्र से मांगा, उतना पैसा राज्य सरकार को दिया गया। बावजूद इसके राज्य सरकार उतना पैसा खर्च नहीं कर पाई, पैसा बढ़ा हुआ है, तो फिर अंदेशकों को 17,000 देने में कहाँ दिक्कत आ रही है? इसका जवाब राज्य सरकार को देना चाहिए। अंदेशकों का मामला जनहित से जुड़ा मामला है, शिक्षा से जुड़ा मामला है, सर्व शिक्षा अभियान से जुड़ा मामला है, आर्थिक तंगी से जुड़ा मामला है। अंदेशकों की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है, इससे जुड़ा मामला है। इस बात को सम्मानित कोर्ट समझ रही है और वह भी जल्द ही जल्द निर्णय लेने के पक्ष में है। हमें उम्मीद है कि अगली तारीख 7 सितंबर को इस मामले पर फैसला आ जाएगा, या तो ऑर्डर को सुरक्षित लग किया जाएगा। सरकार पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये सरकार अब डबल इंजन की नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकार है। प्रदेश की जनता ने आपकी कार्यशैली पर मुहर लगाकर आपको फिर से लोकतांत्रिक तरीके से चुना है। अब सरकार को चाहिए कि वह सर्व शिक्षा अभियान से जुड़े हुए व्यक्ति, शिक्षा से जुड़े हुए व्यक्ति, प्रदेश के बच्चों के उज्जवल भविष्य को बनाने वाले व्यक्ति के बारे में सोचें। उन्हें जवाब देना चाहिए कि इन अंदेशकों का पैसा क्यों नहीं दिया गया, उन्हें उनका वाजिब हक क्यों नहीं दिया गया। उन्हें उनका वाजिब हक दें, उन्हें उनका 17,000 दें। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि योगी जी कहें कि हमने देश में सबसे अच्छी शिक्षा दी, सबसे अच्छे शिक्षक दिए। गरीबी में जीवन गुजारते हुए शिक्षक नहीं, टूटे चप्पल पहनकर स्कूल जाते शिक्षक नहीं, टूटी साइकिल लेकर स्कूल जाते शिक्षक नहीं, बदहाल शिक्षा नहीं, आत्महत्या करते हुए शिक्षक नहीं। हमें तो आर्थिक रूप से मजबूत शिक्षक, खुशहाल शिक्षक, मन से, कर्म से, वचन से बच्चों के उज्जवल भविष्य को संवारने वाले शिक्षक चाहिए। उन्होंने कहा कि हम इस बात में यकीन रखते हैं कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक ना एक दिन ज़रूर मिलती है। बस संघर्षों का दामन नहीं छोड़ना चाहिए और विश्वास बनाए रखना चाहिए। उन्होंने अंदेशकों से अपील की कि अंदेशक संघ के अध्यक्ष विक्रम सिंह, जो इस केस को लड़ रहे हैं, उन्हें कभी अकेला मत छोड़ना। जो भी उनके साथ राजनीति करे, उनका टांग खींचे, उसे झटक देना और पूरी मजबूती के साथ विक्रम सिंह के साथ खड़े रहना और ये विश्वास बनाए रखना कि जिस तरह हम सिंगल विन से केस जीते हैं, उसी तरह इस केस को भी जीतेंगे। तो ये थी साथियों ख़ास खबर अब तक की। मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ, अब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।